बिहार के विकास के इन प्रयासों के बीच आपको सतर्क भी रहना है, सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है, सतर्क उन लोगों से जो बिहार के लिए नहीं सिर्फ अपने लिए सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, सतर्क उन लोगों से जिन्हें बिहार की मान मर्यादा बिहार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। सोचिए हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे, वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे कोरोना से लड़ने के लिए थाली बजाओ, थाली बजाओ। और उसके थोड़े दिन बाद कहा चलो थाली ने काम नहीं किया तो मोबाइल फोन की लाइट चला लो। 22 दिन हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। कोरोना के समय जब शुरुआत हुई टेलीविजन पे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखता था, दिन भर टीवी पे नरेंद्र मोदी जी, और टीवी पे थोड़े से समय के लिए हमारे जो मजदूर भाई बहन बिहार के, उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के टीवी पे वो लोग दिखते थे। याद है आपको, देखा था आपने जब लाखों मजदूर सहारे बिना भोजन कोई मुंबई से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, हरियाणा से बिहार के ओर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मोदी कहते नहीं ये हमारा काम नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने स्वयं, हम सरकार भी नहीं है, बस मजदूरों को दे पाए, हम लाखों लोगों को नहीं दे पाए, सरकार में नहीं है, मगर जिनकी मदद हम कर पाए हमने की। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेनें बंद कर दी और जब बिहार की जनता, बिहार के गरीब मजदूर अकेले पैदल वापस आ रहे थे, हजारों किलोमीटर चल रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मदद नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो सच्चाई बाहर आ गई और बिहार में भी बाहर आ गई। बिहार का हर युवा जानता है कि नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने मिलके बिहार को लूटा है, बिहार के किसान को, बिहार के छोटे दुकानदारों को नष्ट किया है। और अब बिहार के युवाओं ने, बिहार के किसानों ने मन बना लिया है
गठबंधन को चुनाव जिताना है और बिहार को बदलने का काम शुरू करना है। ये निर्णय आपने ले लिया है। मैं आपको यहां मैसेज देने आया हूं कि सरकार बनेगी तो किसी एक धर्म की, किसी एक जात की, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की सरकार नहीं होगी, वो पूरे के पूरे बिहार की सरकार होगी। और उस सरकार में और जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, साइज बिजनेस चलाने वाले हैं, इनकी सरकार होगी। ये मैं आपको